क्षेत्र में एक युवक की जहर खुरानी से मौत होने के बाद युवक के परिजनों की ओर से जहर खिलाकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया गया। पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक से मिला है और पूरे मामले की जांच पड़ताल कराने की मांग की है। 26 अगस्त के दिन थाना करैल क्षेत्र के नगला खंडी में जमीनी विवाद को लेकर जमकर फायरिंग हुई थी, जिसमें युवराज देवेंद्र कुमार पुत्र भारत सिंह को गोली लगने से मौत हो गई थी। पुलिस द्वारा मामले में मुकदमा पंजीकृत जांच पड़ताल शुरू कर दी गई थी, जिसमें पुलिस द्वारा श्री कृष्ण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। पूरे मामले को लेकर दर्जनों महिलाएं पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। यहां श्यामा देवी पत्नी महावीर सिंह ने एक शिकायती पत्र दिया है, जिसमें उसने बताया है कि उसके पति महावीर देवर योगराज बहादुर सिंह तीनों ही सगे भाई हैं, जिसमें उसके देवर योगराज हातिम सिंह के पुत्र नंद किशोर, परमानंद, राजेश कुमार और सुखबीर व प्रांशु ने पहले देवेंद्र कुमार पुत्र भारत सिंह को अवैध असला से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद पीड़िता के देवर योगराज को भी 20 मिनट बाद गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पीड़िता ने प्रार्थना पत्र में यह भी बताया कि वह घटना की चश्मदीद गवाह है। उसके सामने ही नंद किशोर ने आवाज लगाकर अपने भाइयों से कहा कि योगराज बाबा जी को गोली मार दो, हमने देवेंद्र को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। जब योगराज अपनी जान बचाने के लिए भागा तो परमानंद, सुखबीर और राजेश व प्रांशु ने पकड़कर उसके सामने ही योगराज को गोली मारकर हत्या कर दी। पीड़िता ने शिकायती पत्र में यह भी बताया है कि जब वह थाने रिपोर्ट लिखाने गई तो पुलिस द्वारा उसकी रिपोर्ट सुबह लिखने का उसे हवाला दे दिया गया, लेकिन हत्यारोपी परमानंद की पत्नी पुष्पा के प्रार्थना पत्र पर पुलिस द्वारा झूठा मुकदमा देवेंद्र के भाइयों आनंद कुमार, श्री कृष्ण, उसके पुत्र राजेश के खिलाफ दर्ज कर लिया गया, जिसमें श्री कृष्ण को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। पीड़िता ने बताया है कि श्री कृष्ण निर्दोष है। पीड़ित महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले में निष्पक्ष जांच करते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की है। और क्या कुछ बताया है यह जरा आप भी सुनिए। घटना होगी और क्या आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए, क्या मांग करते हैं आप? ऐसा हुआ कि एक जमीन बेची थी हमारे भाई ने, ऊपर देख के बात, हाँ भाई ने जमीन बेची थी, वो खेती बेचने के बाद और आनंद ने ली तो उसी के ऊपर हुआ विवाद थोड़ा सा, उस पर कुछ मुकदमा भी चल रहा है हाई कोर्ट में। तो आनंद ने ये कहा कि भाई हम इसमें नितन नहीं रहे, तुम क्यों इसमें भैंस भैंस बांधते हो और चंपू खड़ा करते हो। तो इतने ही पे नंद किशोर ने तुरंत, क्या नाम उनका, देवेंद्र को गोली मार दी। और फिर गोली मार के फिर हमारे भाई में बम्बा, एक बम्बा पास में पड़ता है मढ़िया, वहाँ एक मकान बना हुआ है उसके, और खींच करके उनको ले गए और बोरिंग के पास गोली तीन उनको भी मार दी। आज क्या मांग करते हैं, किसको फंसाया जा, गलत फंसाया जा रहा है? हमारे लड़के को गलत फंसाया जा रहा है और क्या नाम आनंद को गलत फंसाया जा रहा है और श्री कृष्ण को गलत फंसाया जा रहा है। क्या मांग करते हैं आप? क्या साहब इनको रिहाई की जाए। पुलिस ने पकड़ रखा है क्या? हाँ पुलिस ने पकड़ रखा है, वो गलत पकड़ रखा है। घटना के समय वो लोग कहाँ थे? घटना जब हुई थी तब वो लोग उस समय क्या गांव में थे या नहीं थे? हम साहब गांव में थे, लेकिन मुझे बहुत जोर तेजी से बुखार चढ़ा हुआ था, मेरे पास अभी दवाइयाँ रखी हुई हैं, मेरा बीपी हाई हो जाता है। ये हॉस्पिटल थे इसको लेके गए देवेंद्र को? हाँ देवेंद्र को लेके घायल होने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू देवी है। किस गांव की रहने वाली हैं? नंगला ग्राम, नंगला कुंडे की रहने वाली। अच्छा, किस मामले को लेकर आज एसपी साहब से मिलने हैं? मुझे न्याय चाहिए सर। किस चीज का, कैसे बताएं? कैसे न्याय चाहिए कि हमारे जेठ को गोली से मार दिया है नंद किशोर जी, और मेरे श्री कृष्ण मेरे पति को भी गोली मारी है जी। और उनके तीन भाइयों ने योगराज की मौत कर दी, अपने दाऊ को कोई था नहीं उनके जी। और मुझे न्याय चाहिए सर, नहीं तो मैं यही मर जाएंगे, रो रो कर जाते थे। मुझे न्याय चाहिए, जांच की जाए इसकी। किसको निर्दोष फंसाया जा रहा है? निर्दोष फंसाया जा रहा है श्री कृष्ण और आनंद को, मेरे जेठ को। वो लोग जब घटना हुई तो कहाँ आए हुए थे वो?
कहाँ पर गए हुए थे? जब घटना हुई थी यहाँ वो सैफ ही हॉस्पिटल लेके गए थे, इन्होंने गोली से मार दिया इन लोगों को, अपने दाऊ को, इनके तीनों भाइयों ने नंदकिशोर के। कहाँ अभी वो लोग कहाँ है इस टाइम? वो लोग भाग के फरार हैं। हाँ फरार हैं सर।